नमस्कार दोस्तों। दोस्तों भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, एक अनार सौ बीमार। अर्थात अनार एक ऐसी महा औषधि है जो अनेकों बीमारियों का इलाज करती है। ये अपने हेल्थ के लिए पोषक गुणों की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है और अनार फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, के और बी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फॉलेट, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक जैसे और भी अन्य पोषक तत्व निहित है और ये फल ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी एक अच्छा स्रोत है। अनार का फल ही नहीं अपितु इसका हर एक अंश शरीर के हेल्थ के लिए लाभदायक है। अनार के पेड़ की जड़ें, पत्तियां, छिलका, बीज वगैरह सभी औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है और ये पाचन शक्ति को बेहतर करता है, वीर्य गठन को बढ़ाता है, स्मृति को सक्रिय करता है, हवा पित्त कफ की वजह से शरीर में हुए असंतुलन को ठीक कर देता है, हीमोग्लोबिन के गठन को बेहतर बनाता है और एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है। तो आइए हम भी इस चमत्कारी फल के चमत्कारी गुणों को विस्तार में जानेंगे। तो दोस्तों बात की जाए अनार के फायदों के बारे में, तो इसका सबसे पहला फायदा यही है कि ये त्वचा पर चमक लाता है। अनार के पोषक तत्व आपको सुंदर, जवान एवं बेदाग त्वचा भी देते हैं और ये विटामिन सी एवं एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रचुर स्रोत है जो बढ़ती उम्र की त्वचा को पोषित करके झुर्रियों को, त्वचा की सुंदरता को कम करने से रोकता है और इसमें और भी अन्य पोषक तत्व हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक है। प्रतिदिन एक अनार अपने आहार में शामिल करें। एथनोफार्माकोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक 2006 की स्टडी के अनुसार अनार जो है ये कोलेजन संश्लेषण को बढ़ावा और मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज 1 के उत्पादन को रोक के त्वचा को जवान बनाए रखता है। दूसरा फायदा ये है कि ये मौखिक स्वास्थ्य को सुधारता है। अनार में एंटी प्लाक गुण पाए जाते हैं जो कि समग्र मौखिक स्वास्थ्य यानी कि ओरल हेल्थ में सुधार लाकर उसे तरोताजा कर देते हैं। अनार में मौजूद तत्व दंत पट्टिका यानी कि प्लाक के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। पट्टी का गठन को कम करके ये दंत क्षय, पार या मसूड़े की सूजन जैसी दंत समस्याओं के जोखिम को कम कर देती है। जीवन के प्राचीन विज्ञान में प्रकाशित एक 2011 की स्टडी की रिपोर्ट में पाया गया है कि अनार के रस से कुल्ला करना पट्टी का गठन को 32% तक कम कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अनार जो होता है ये आपकी हार्ट की हेल्थ में भी सुधार लाने में सहायक होता है। अनार आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अत्यंत सेहतमंद होता है। ये रक्त धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स को पोषित करके रक्त प्रवाह में सुधार लाता है। इटली में नेपल्स विश्वविद्यालय में किए गए 2005 की स्टडी के अनुसार अनार का रस धमनियों के सख्त होने यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के उपचार और उससे बचाव में मदद करता है। इसके अलावा ब्रिटिश के पोषण जर्नल में प्रकाशित एक 2010 की स्टडी में पाया गया है कि 800 मिलीग्राम अनार के बीज का तेल ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी कि HDL अनुपात में सुधार लाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने में भी सहायक है, यानी कि अनार जो है ये हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों के लिए भी बहुत फलदायक होता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी एवं नाइट्रिक ऑक्साइड का एक अच्छा स्रोत है। इसके पौष्टिक गुण रक्त प्रवाह को नियमित करने और रक्त धमनियों को पोषित करने के लिए जाने जाते हैं और ये दिल के दौरे के होने की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में प्रकाशित एक 2011 की स्टडी का कहना है कि अनार का रस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम करता है। तो रोजाना एक गिलास अनार का जूस पिए और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना चाहिए कि अनार का सेवन करते समय ब्लड प्रेशर के स्तर को देखते रहें, विशेष रूप से तब जब आप अनार का सेवन ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ कर रहे हों। साथ ही साथ दोस्तों अनार जो है ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी लाभकारी है। अनार जोड़ों और उससे संबंधित समस्याओं का भी एक सफल उपचार है। संधि शोथ यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थि संधि शोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और समग्र जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए अनार के बीजों का सेवन दैनिक नियमित रूप से करें। ये एंटीऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुणों से युक्त होता है और जोड़ों में आई अकड़न और सूजन को कम करने में सक्षम है। 2005 में पोषण के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार अनार में ऐसे तत्व समाविष्ट हैं जो जोड़ों को क्षति पहुँचने से रोकते हैं। तो दोस्तों जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना एक गिलास अनार का जूस पिएं, लेकिन यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। आप अनार के जूस और किसी भी तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर उसे मालिश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों अनार जो है आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। अनार का सेवन करने से स्मरण शक्ति को तो बढ़ावा मिलता ही है, परंतु साथ ही में ये अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी जैसे दिमाग से संबंधित विकारों को भी हराने की क्षमता रखता है। 2013 में हुए एक शोध में पाया गया कि अनार जो है ये दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्र संबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है। साथ ही साथ दोस्तों अनार जो है इसका जो जूस होता है ये एनीमिया के लक्षणों से लड़ने के लिए फायदेमंद है। अनार जो है ये एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। ये शरीर में लोह की कमी को पूरा करके रेड ब्लड सेल्स की संख्या को भी बढ़ाता है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी करके उसके प्रवाह में भी सुधार लाता है और इसके अलावा ये विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो कि लोह के अवशोषण में सहायता करता है। और इस फील्ड में हुए शोधों के अनुसार अनार जो है ये एनीमिया के लिए एक बहुत ही सक्षम डायट्री सप्लीमेंट है और एनीमिया के लक्षणों से लड़ने में शरीर को पूरा सहयोग देता है। तो दोस्तों एनीमिया को मात देने के लिए रोज़ाना अपने सुबह के नाश्ते के साथ एक कप अनार का जूस पिए। और इसका दूसरा विकल्प ये होता है कि आप अनार के बीजों को पीसकर चूर्ण बना लें और रोज़ाना सुबह आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर पी लें। साथ ही साथ दोस्तों ये कैंसर का इलाज करने में भी सक्षम है। अनार की हेल्थ के लिए गुणवत्ता छोटी छोटी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने का भी सामर्थ्य रखता है। ये कैंसर की कोशिकाओं का नाश करके ट्यूमर के विकार पर पूर्ण विराम लगाता है। अनार के फल का सेवन प्रोस्टेट, फेफड़े, स्तन और स्किन कैंसर में अत्यंत फलदायक होता है और इस फील्ड में किए गए अनेक शोधों ने अनार के स्तन और स्किन कैंसर पर सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करी है। अनार जो ये कैंसर से बचाव करने में भी अति सक्षम है। कैंसर से बचाव करने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए अनार को अपने दैनिक आहार में शामिल करें। साथ ही साथ दोस्तों अनार का जो रस होता है ये डायबिटीज़ को भी नियंत्रित कर सकता है। जो लोग डायबिटीज़ या फिर किसी भी उपापचयी संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए अनार बहुत ही फायदेमंद फल है। ये इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम करता है और डायबिटीज़ से होने वाली समस्याओं से भी बचाव करता है। पोषण अनुसंधान में प्रकाशित एक 2013 के स्टडी में पाया गया कि अनार के रस में अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रजनन क्षमता को भी बढ़ावा देता है। अनार उन महिलाओं के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है जो गर्भवती होने का प्रयास कर रही हैं। ये गर्भाशय में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उसे सशक्त कर देता है और गर्भपात के खतरे को खत्म कर देता है। फार्माकोग्नोसी पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार अनार प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और गर्भधारण करने में सहायता करता है, परंतु ये स्टडी इस बात को भी उजागर करता है कि अनार के अधिकतम सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। अनार में विटामिन सी और के साथ साथ फॉलिक एसिड भी होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को बढ़ावा देता है। ये शरीर को चिंता और तनाव से भी मुक्त कराने में सहायक है जो कि गर्भधारण करने में और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और छाल यानी कि तना का चूर्ण बना लें और उन्हें बराबर मात्रा में मिला लें और इस मिश्रण को एक हवाबंद डिब्बे में रख दें और कुछ हफ्ते के लिए रोज़ाना दिन में 2 बार आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पी लें। रोज़ाना दिन में 1 बार 1 गिलास अनार के रस का सेवन भी कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनार के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों अनार में मौजूद एंजाइम लीवर में मौजूद कुछ एंजाइमों के काम काज में बाधा कर सकते हैं। यदि आप लीवर विकारों के लिए किसी भी विशिष्ट दवा पर हैं तो इस फल या इसके रस को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। आप एक डाइट पर हैं और अपने कैलोरी की मात्रा को देख रहे हैं तो ये फल या इसका रस लेने से बचें। अनार से कैलोरी में इजाफा होता है और ये वजन बढ़ने का कारण भी बन सकता है और इस फल की अत्यधिक खपत कई विकारों का कारण बन सकती है। उनमें से कुछ मतली, उल्टी, पेट दर्द और दस्त हैं, लेकिन ये लक्षण आमतौर पर कुछ ही घंटों के बाद कम हो जाते हैं। अनार की अत्यधिक खपत जठरांत्र पथ यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जलन भी पैदा कर सकती है। इस फल की खपत के कई लक्षण हो सकते हैं जो कि एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ये लक्षण हैं जैसे कि कुछ भी निगलने में दर्द होना, चकत्ते, चेहरे की सूजन, सांस लेने में कठिनाई होना या फिर मुंह में सूजन और दर्द होना, और इसीलिए आवश्यक है कि इसे आप सीमित मात्रा में खाएं और कुछ आवश्यक बातों का भी ध्यान रखें। कौन सी बातें ध्यान रखनी है? जैसे कि आप 1 सप्ताह तक अनार को कमरे के सामान्य तापमान पर स्टोर कर सकते हैं। यदि आप उन्हें फ्रिज में रखना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक में लपेट कर रखें। अनार के ताज़ा बीज को 3 से 4 दिनों के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। अनार के बीज खाने के बाद यदि आपको खाद्य एलर्जी के लक्षण दिखें
उसका सेवन करना तुरंत रोक दें और अपने चिकित्सक से परामर्श लें। अनार के रस का सेवन रक्त संबंधित दवाइयों के साथ डॉक्टर की सलाह लेने के पश्चात ही करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अनार पूरक यानी कि पोमग्रेनेट एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट चुनने से पहले हमेशा आप पहले डॉक्टर से परामर्श करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।